कर्ज लेने के बाद उसे वापस न करने के लिए एक व्यक्ति ने खुद पर अपने भतीजे से गोली चलवा दी। बाद में उसने PCR कॉल कर दी। सूचना मिलने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान चंद ही घंटों में हकीकत का पता चल गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुंदर और उसके भतीजे हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल तमंचा और खोखा भी तालाब से बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी सुंदर ने बताया कि उसने कर्जदाता को फंसाने के लिए यह पूरी साजिश रची थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। DCP डॉक्टर जय तिर्की ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे नंद नगरी थाना पुलिस को एक कॉल मिली। कॉल ताहिरपुर स्थित तालाब के पास से की गई थी। पुलिस वहां पहुंची तो वहां सुंदर जख्मी हालत में मिला। उसके हाथ में गोली भी लगी थी। सर, नगरी का एक गोली चलने का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है ये। कल सवेरे 6:15 बजे का इंसिडेंट था ये, और इसमें एक सुंदर नाम के व्यक्ति हैं, 43 ईयर ओल्ड। तो वो फिश पॉन्ड है इनके यहाँ ताहिरपुर में, तो वहाँ पे मछली को दाना दे रहे थे, और वो और उनका जो नेफ्यू है, भतीजा हिमांशु अलियास अंशु 19 साल, तो ये दोनों ही साथ में थे। और इन दोनों ने कहानी हमें ये बताई कि सवेरे सवेरे वो जब दाना दे रहे थे तो एक लड़का आया पीछे से और गाली गलौज किया, और उसने कट्टा निकाल लिया। जैसे ये भागने लगे तो पीछे से उसने गोली चला दी, और ये कुछ शक जाहिर कर रहे थे कि ये लोग, कुछ लोगों के नाम इन्होंने लिए और कहा कि उन लोगों ने शायद हम लोग के ऊपर गोली चलवाई है। तो जब SHO से मेरी बात हुई तो हॉस्पिटल लेके चले गए थे इंजर्ड को, GTB हॉस्पिटल में। तो मैंने उसे कहा कि पास में जाके उसके जो इंजरी है उसकी फ़ोटो मुझे भेज दें। तो उन्होंने फ़ोटो मुझे भेजी। वहाँ पे थोड़ी मेरी मेडिकल नॉलेज जो है वो थोड़ा काम आया। तो जो उसके जो एंट्री और एग्जिट वाउंड थे वो क्लीन थे, और जो एंट्री वाउंड था उसमें ब्लैकनिंग था, जो कॉलर बना हुआ था उसमें प्रॉपर। तो जो उसका वर्जन था कि मैं भाग रहा था और पीछे दूर से उसने गोली चलाई, वो जम नहीं रही थी, बिकॉज उसमें कॉन्टैक्ट इंजरी था, उसमें बर्न इंजरी थे उसके फ्लैश में। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सटाके मारी गई है। तो मैंने कहा दोनों से आप अलग अलग बात कीजिए। तो दोनों को अलग अलग कमरे में रख के दोनों से अलग बात किया, और उनके जो दोनों का वर्जन था, चाचा भतीजा का, दोनों के वर्जन में बड़ी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस धीरे धीरे निकल कर आई, और इनकन्सिस्टेंसी थी दोनों की बात में। और फिर ग्रेजुअली थोड़े से एग्जामिनेशन के बाद वो टूट गए, और जो अंशु था उसने बताया कि अपने चाचा के कहने पर ही उसने चाचा के हाथ पे लगा के गोली चलाई थी। तो जो हमने पूछा कि वो वेपन कहाँ गया, क्योंकि एक वहाँ पे खोल गिरा दिया गया था जानबूझ के, वो दिखाने के लिए कॉस्मेटिक कि यहाँ पे हमें गोली लगी। तो फिर वो अंशु ने बताया कि जी वो जो वेपन था उसके अंदर ही खोल है, और मैंने यहाँ पे फिश पॉन्ड के पास ही फेंक दिया था। तो फिर उसके पॉइंटिंग आउट पर उसको रिकवर किया गया, उसके अंदर शेल भी मिला हमें, और फिर ये केस खोला। तो इसमें बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने काफ़ी सारे पैसे लोगों से लिए हुए थे, और जब वो तकाजा कर रहे थे कि हमें पैसे वापस कीजिए, तो ही थॉट ऑफ दिस प्लान कि मैं अपने ऊपर गोली चलवा लेता हूँ और फिर इन लोग को इम्प्लिकेट करूँगा, और इससे मेरे ऊपर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और ये लोग डिफेंसिव हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने जो केस अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज किया है, तो उसको हम लोग, हमने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया, ये कंप्लेनेंट है, इन्हीं को अरेस्ट किया इस केस में, और अब इनके ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे, कोर्ट को हम बताएंगे, अपनी एक रिपोर्ट डालेंगे कि इन्होंने फॉल्स इम्प्लिकेट करने की कोशिश की थी, और इस तरह से हमारे अटेम्प्ट टू मर्डर केस सॉल्व हो। उत्तर पूर्वी दिल्ली से दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान की रिपोर्ट।